मॉर्निंग स्टूडेंट। तो ये हम एक्सरसाइज कर रहे थे 13.2 क्लास 9th के। 13.2 एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो आप सभी अपनी बुक में देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 है, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का पाइप है जो कितना 77 सेंटीमीटर लंबा है। द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर वेइंग 4.4 सेंटीमीटर। जो फिगर में बताया गया 13.11 में, फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें, आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो, मेटल का जो पाइप है वो कैसा है, हॉलो पाइप है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे मेटल का पाइप बनाया, ये कैसा है, अंदर से खोखला है, अंदर से हॉलो है, तो हमें कुछ ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और नीचे से भी कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। जहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है, द मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 77 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेटल पाइप का हाइट। मेटल पाइप का जो हाइट है वो कितना है, मेटल पाइप का जो हाइट है वो कितना है, 77 सेंटीमीटर ले लिया। ओके, मेटल पाइप का हाइट। एंड और क्या गिवन है हाइट के अलावा, और गिवन है हमें क्रॉस सेक्शन का डायमीटर। ओके, तो इनर डायमीटर अलग है, आउटर डायमीटर अलग है। तो पहले हम इनर डायमीटर को स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं, रेडियाई जो हो जाएगी स्मॉल आर, यानी इसके लिए रेडियाई। ठीक है, ये स्मॉल आर से हमने डिनोट किया। और सॉरी, पहले क्या गिवन है, डायमीटर, इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब आउटर डायमीटर क्या गिवन है, आउटर डायमीटर टी से नोट किया है मैंने यहाँ पे 4.4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियाई इसको चलो हम कैपिटल आउटर इसकी आउटर की बात कर रहे हैं ना, तो ये आउटर था, आउटर डायमीटर यानी कैपिटल डी 4.4। तो आउटर रेडियाई कैपिटल आर से नोट करिए, यहाँ पे हमने स्मॉल आर से, यहाँ पे कैपिटल आर से, तो 4.4 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें 3 पार्ट्स गिवन है। 3 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है हमें इनर कर्व सरफेस एरिया। तो हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं, क्या कैलकुलेट करना है हमें, इनर कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला, इनर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है किसका, पाइप। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, इनर रेडियाई लेंगे और हाइट तो दोनों के लिए सेम ही है। ओके, एच से डिनोट किया है जहाँ पे हमने, तो इनर रेडियाई मतलब स्मॉल आर। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, ये सिलेंडर शेप में है, तो सिलेंडर कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πRH। ओके, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH। अब 2πRH में वैल्यू रख लेते हैं, 2 × π का वैल्यू 22/7 × r, रेडियाई स्मॉल वाली लेनी है, कितनी लेंगे हम, 2 लेंगे। हाइट कितनी है, देखो 77, सो हमने हाइट ले ली 77। ओके, सो 77 ये ले ली, हाइट ले ली। अब क्रॉस करेंगे, 7 से कितना हो गया, 11 टाइम हो गया, 7 से कितना हो गया, 11 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया, 2 × 22 × 2 × 11, इतना हो गया 2 × 22 × 2 × 11। अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लें, तो 2 × 22 कितना हुआ, 22 × 44, 44 × 88, 88 × 11। तो 88 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, तो कर लेते हैं 88 का मल्टीप्लाई साइड में 11 से, सो 1 का मल्टीप्लाई 88 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 88 हुआ, 8 × 16, 1 कैरी और 968, टोटल कितना हो गया, 968 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया क्या, इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ अभी फर्स्ट पार्ट। ओके, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम इसका करेंगे सेकेंड पार्ट सॉल्व। तो इसके सेकेंड पार्ट में हमें सॉल्व करना है क्या,
सेकेंड पार्ट में हमें सॉल्व करना है इनर कर्व सरफेस एरिया था ये, अब सेकेंड पार्ट में गिवन है आउटर कर्व सरफेस एरिया। सो कैलकुलेट कर लेते हैं आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप। आउटर कर्व सरफेस एरिया पाइप का कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, आउटर रेडियाई लेनी पड़ेगी, जो आउटर रेडियाई कितनी है 2.2। ओके सो इसके लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr। अब यहाँ पे r कौन सा ले लेंगे, कैपिटल, बिकॉज हमने यहाँ पे क्वेश्चन में आउटर को कैपिटल r से नोट किया है, हाइट दोनों के लिए सेम है। तो 2 × π का वैल्यू 22/7, r रेडियाई देखो 2.2 ले लेंगे और हाइट कितना 77। सो 77 से सेम 11 टाइम क्रॉस हुआ, 2 × 22 × 2.2 × 11। ओके ये कर लिया, 22 जा कितना हुआ 44 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई बाई 11। ओके अब इसका मल्टीप्लीकेशंस कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशंस कर लेंगे तो फाइनली आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सो ये हो गया आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप इज 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आउटर कर्व सरफेस। तो ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब हमें कैलकुलेट करना है थर्ड पार्ट में। ओके इसका थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है क्या, देखें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ओके टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप तो हमें देखो इनर रेडियाई क्या, इनर रेडियाई स्मॉल आर कितना गिवन था 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियाई कैपिटल आर कितना 2.2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी गिवन थी 77 सेंटीमीटर। ओके अब देखो तो इसके लिए हमें टोटल सरफेस एरिया यानी इन कर्व सरफेस एरिया किसका, इनर वाले पार्ट का, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आउटर वाले पार्ट का वो भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब ये जो ऊपर रिंग बने हुए हैं, देखो एक रिंग बना हुआ है ऊपर की तरफ, एक रिंग बना हुआ है नीचे की तरफ, बस इसका एरिया कैलकुलेट करना है और बाकी क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हम अगर हम ऊपर वाली रिंग का कैलकुलेट कर लें, उसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे नीचे वाली रिंग का हो जाएगा, क्योंकि अपर रिंग और लोअर रिंग दोनों कैसे हैं, सेम है। ओके सो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ अपर रिंग। अपर रिंग का एरिया कैलकुलेट करने के लिए देखो यहाँ पे ये किस तरीके से बना हुआ है, ये इस तरीके से बना हुआ है, इसका एरिया कैलकुलेट करना। तो हम बड़े वाली एरिया के से हम छोटे वाले इसको क्या कर देंगे, कैपिटल आर वाले से स्मॉल आर वाले एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कैलकुलेट हो जाएगा, यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर से पाई स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा ये वाला एरिया। ओके आप इन दोनों में क्या कर सकते हैं, पाई कॉमन कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा पाई, और आर स्क्वायर आर मतलब क्या कैपिटल आर वाला, तो 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ओके अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, पाई का वैल्यू 22/7 2.2 कितना हो जाएगा 4.84 हो जाएगा, और 2 का कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस सिंबल लगाएंगे यहाँ पे, माइनस सिंबल लगा के कितना 4, ये हो गया, तो 4.84 से माइनस हुआ तो कितना बचेगा 22/7 इनटू 0.84 ओनली, पॉइंट कितना बचेगा 84। ओके बिकॉज 4.84 से हमने इसको माइनस किया तो 0.84, 7 से 0.84 क्रॉस करेंगे कितना 12/7 = 84 0.12 आ जाएगा, तो 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से, मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया किसका, अपर रिंग का एरिया। अब जितना अपर रिंग का एरिया होगा उतना ही किसका होगा, लोअर रिंग का एरिया होगा, तो हमें क्या बताना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है तो हम ले लेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, ध्यान देना इस पर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप में क्या क्या लेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया में लेंगे हम इनर कर्व सरफेस एरिया, देखो इनर अंदर वाली कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर वाला कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया एंड प्लस हमें लेना होगा अपर रिंग, एरिया ऑफ अपर रिंग प्लस एरिया ऑफ लोअर रिंग, एरिया ऑफ अपर रिंग एक रिंग ऊपर देखने को मिलेगा प्लस एरिया ऑफ लोअर रिंग। ओके ये तो यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया हमने कैलकुलेट किया था कितना 968, वैल्यू रखती 968, आउटर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था 1064.80, ये वाली वैल्यूज ले ली। अब अपर रिंग एंड लोअर रिंग दोनों में आपको देखने को मिलेगा क्या है यहाँ पे सेम। ओके बिकॉज जितना ऊपर था उतना ही नीचे, कितना कैलकुलेट किया हमने 2.64, सो 2.64 इज द एरिया ऑफ अपर रिंग एंड 2.64 इज द एरिया ऑफ
लोअर रिंग। बस अब हम क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो कितना है 968 एंड 1064.80, ओके 0.00 कर लेते हैं यहाँ पे, एंड 2.64 एंड 2.64 सबको ऐड कर लें। 44 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एंड 12 कैरी कितना वन आया, 8 4 12 12 12 13 14 15 16 टू कैरी था तो कितना हो गया 18 का 8 ओके ओके कैरी कितना आया अभी वन, तो 6 6 12 12 1 कितना हो गया 13 कितना है कैरी वन, तो 9 1 10 का कितना हो गया 0 एंड 1 1 2 तो 2038.08 ओके सो ये फाइनली आया 2038.08 और किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमें कैलकुलेट करना था टोटल सरफेस एरिया, हैंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप कितना हो गया 2038 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन 3 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना था हमें इनर कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे इनर रेडियाई के अकॉर्डिंग हमने ये कैलकुलेट किया है इनर कर्व सरफेस एरिया ओके। ये वाले पार्ट में ये फर्स्ट वाला पार्ट इनर कर्व कैलकुलेट करना था हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो यहाँ पे ये कैलकुलेट किया है हमने क्या आउटर कर्व सरफेस एरिया पाइप, तो ये है पाइप का आउटर कर्व सरफेस एरिया और फर्स्ट में ये था इनर कर्व सरफेस एरिया, तो दो पार्ट हो गए। और थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना था टोटल सरफेस एरिया ओके, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप ये है इसका थर्ड वाले का सॉल्यूशन ठीक है। तो फाइनली टोटल सरफेस एरिया कितना काउंट हुआ 2038 सेंटीमीटर स्क्वायर और आउटर कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट हुआ 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो इनर कर्व सरफेस एरिया था वो था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों पार्ट क्वेश्चन के सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।